की भूपेश सरकार ने स्कूल कॉलेजों में 31 मार्च तक छुट्टी घोषित कर दी है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं राज्य के विधायक और स्वयं डॉक्टर विनय जायसवाल ने कोरिया में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इतना ही नहीं, बोर्ड परीक्षा को लेकर यहाँ राज्य सरकार ने डीजी साउंड पर प्रतिबंध लगाया है और उसके बावजूद आयोजन में वे बिना किसी अनुमति के डीजे साउंड पर नाचते दिखे। इस आयोजन से वे अपनी ही सरकार के प्रयासों का माखौल उड़ाते नजर आए। पूरे मामले की शिकायत मनिंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 7 के निर्दलीय पार्षद श्याम सुंदर पौददार ने एसडीएम से की है और उनसे जवाब भी मांगा है। पार्षद ने सुरभि पार्क में कार्यक्रम करने के लिए 11,000 रुपए शुल्क जमा न करने का आरोप भी विधायक पर लगाया है। के द्वारा इस तरीके के आयोजन में शामिल होना और शामिल करने के लिए प्रेरित करना, यह निंदनीय है। दूसरी बात कि कोई भी कार्यक्रम करने के पहले सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति ली जानी चाहिए। वहां पर 11वीं 10वीं की परीक्षा हो रही है और फुल डीजे साउंड बजाया जा रहा था, जिसकी कोई परमिशन अनुविभागीय अधिकारी से नहीं ली गई। अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वह सतना जिले